नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम धनवानी और ये है हमारी बाइक एवेंजर, बजाज एवेंजर, जो हमने ली है सेकेंड हैंड में। लेकिन अभी इसको हम पूरा मॉडिफाई कराएंगे और मॉडिफाई कराने हम कहाँ जा रहे हैं ये है, मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल दे दूँ। ये है 2009 का मॉडल है, 200cc है ये गाड़ी। लेके हम लोग थोड़े लॉन्ग ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। जिसकी भी ये गाड़ी थी बहुत अच्छी गाड़ी थी और इसका इंजन बहुत पावरफुल है। 200cc की गाड़ी है, इंजन में कोई खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स कर रही है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आगे थोड़ा छोटा फेयरिंग नहीं है, वो मुझे चाहिए। मोबाइल चार्जिंग का वो पॉइंट चाहिए, GPS के लिए मुझे मोबाइल लगाने के लिए मोबाइल का स्टैंड चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस गाड़ी के अंदर मुझे अलग व्हील और ट्यूबलेस टायर चाहिए। तो हम आपको ये गाड़ी पूरा अभी देख सकते हैं आप किस हाल में है, और नेक्स्ट हम कुछ दिनों के अंदर इसको पूरा मॉडिफाई करवा के आपके साथ वो भी हम दिखाएंगे पूरी गाड़ी कंप्लीट करके। और आपको अगर कुछ इस गाड़ी के बारे में बताना हो, कुछ नया अगर आप जानते हो मुझसे ज़्यादा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। गाड़ी का हमारा नंबर भी बहुत प्यारा है, 7117। हालांकि बहुत प्यारी गाड़ी है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो चाहिए गाड़ी के अंदर वो नहीं अवेलेबल, इसके लिए मुझे मॉडिफाई थोड़ा करवाना पड़ता है इसको। इसके लिए मैं निकला हूँ आज बड़ौदा से बाइक लेके अहमदाबाद, और अहमदाबाद में हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा यहाँ पर सबसे बढ़िया गाड़ी मॉडिफाई होती है, तो वहाँ पर हम जाके और ये गाड़ी कुछ दिनों के लिए उनको देखे और पूरा समझा के आएंगे। उससे ये गाड़ी तो बहुत पुरानी है, 2009 मॉडल है, लेकिन चलने में आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ गाड़ी चलती है, कोई मतलब इंजन के अंदर दिक्कत नहीं है। इतनी बढ़िया गाड़ी चलती है कि हम आपको क्या ही बताएं। मतलब चलाने में ऐसा लगता है जैसे हम न्यू गाड़ी परचेस करके जा रहे हैं। हाँ, बाकी कुछ बातें हैं वो हम अपडेट करवाएँगे इस गाड़ी को, पूरा मॉडिफिकेशन करवाएँगे, कलर वगैरह ये सब होगा। इसका पूरा एक और वीडियो हमारा बनेगा, वो भी हम आप अपलोड कर देंगे, आप देखिएगा। ये गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है, और गुजरात के जो रोड है, जो हाईवेस रोड है, वो तो क्या कहना भाई, इतने बढ़िया रोड है, इतने बढ़िया रोड है। हमारी सरकार ने ये रोड तो बहुत बढ़िया कर दिया, इसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं हुई बड़ौदा से अहमदाबाद जाते हुए, रोड इतने प्यारे थे, इतनी हाईवे की कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, इतना मज़ा आ रहा था। सिटी में गाड़ी चलाने की थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब सिटी में भी इतनी दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। चलते चलते देखो वासत की ये ब्रिज है, जिसको महिसागर माता की नदी बोलते हैं, वहाँ भी हमने क्रॉस कर दिया। मतलब बहुत प्यारी गाड़ी है, और हाईवेज की मैं बात करूँ तो हाईवे बहुत बढ़िया है। और ये गाड़ी लेके हम लोग सोच रहे हैं अभी जाएंगे एक लॉन्ग ट्रिप पे। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ये पास कर लेते हैं पहले, और टोल नाका है वासत का, थोड़ी सी ट्रैफिक मिल गई है यहाँ पे। टोल नाके पे यार कभी कभी फास्टैग किसी किसी के काम नहीं करते, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है फोर व्हीलर्स में, लेकिन कोई नहीं, हमारे पास तो टू व्हीलर थी तो हम निकल चुके हैं। रोड के तो क्या कहने यार, और क्या ग्रीनरी है हाईवेज पे, खाने पीने के होटल्स की भी कोई कमी नहीं है, पर 5-7-10 मिनट के अंदर एक कोई ना कोई होटल आपको दिख जाएगा। चले तो आप ये रोड को एंजॉय करिए, आगे हम गाड़ी का पूरा आपको अपडेट देंगे, एक और नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो गाड़ी अपडेट होके आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से इसको और अपडेट करा सकूं। थैंक यू सो मच, आगे जब अपडेट होगी उसके बाद फिर मिलेंगे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आप ज़रूर हमको कमेंट करिए, ताकि हमको पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। थैंक यू सो मच।